खानदानी है, 50 साल पुराना काम है कम से कम। तो अगरसल वाला चाट बना के दिया है भाई। यहाँ आतंक है किसका, बंदरों का। अब मेरा चप्पल उठा के कड़क की भूख। तो इधर है कचौड़ी और समोसे, तो चल के मस्त थोड़ा सा ट्राई किया जाएगा क्या है, क्योंकि भाई स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो मस्त एकदम कचौड़ी और समोसे इधर हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट लगता है, उसके बाद में क्या है ये? ये कचौड़ी और ये समोसा है। कचौड़ी समोसे और कौन सी चटनी है? ये खट्टा चटनी है। खट्टा चटनी, मीठा चटनी है और मीठा चटनी मस्त। ले लो, लाओ एक प्लेट लाओ। क्या क्या है अभी बताते हैं। समोसे है, कचौड़ी थोड़े से ठंडे हैं। सही टेस्ट देखो कैसा है। बस भाई थोड़ा सा पेट पूजा हुआ, अब अच्छा लग रहा है। मस्त कचौड़ी और थोड़ा भैया से बात कर लेते। तो आप तो लगता है बहुत दिन से इधर बेच रहे हैं। भैया काफ़ी टाइम हो गया है भैया, मुझे यहाँ 20 साल हो गए बैठते। 20 साल से कचौड़ी और समोसे बेच रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इधर मेरे पिताजी बैठते थे। हाँ मतलब खानदानी है, 50 साल पुराना काम है कम से कम। तो अगर आते इधर विश्राम घाट तो कोने पे है, बस कचौड़ी खाइए और इंजॉय। चलिए चलते हैं आप किसी और जगह। इधर भाई के पास मथुरा की गलियों में पानी पूरी का मजा लीजिए। ये इसको पानी पूरी चाहिए, मुंह में आ जाएगा ना, मुंह में आ जाएगा ना। बढ़िया है एकदम, चटपटा वाला भाई है, चटपटा वाला पानी पूरी खिला रहा है। मामा जी के लिए चाट, स्पेशल वाला चाट बना के दिया है, अभी बताएंगे कैसा है। पानी पूरी तो भाई मस्त लग गया एकदम, पानी एकदम पुदीना हो गया। तो फाइनली शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं धर्मशाला में, यानी कि जो धर्मशाला हम लोग को मिला है वहाँ पे रूम में। और अब जा रहे हैं वापस हम लोग विश्राम घाट जाएंगे, वहाँ पे आरती ओरती देखेंगे अभी, और जो दिया हुआ बारना है वो दिया हुआ बरेगा वहाँ पे शाम में। तो ऐसा ही कुछ है, आज का दिन तो पूरा इधर उधर करते ही बीत ही गया पूरा। तो चलिए चलते हैं विश्राम घाट, वहाँ पे आरती ओरती बारते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी हम लोग हैं बंगाली घाट पे, और यहाँ इधर से धर्मशाला से ये रोड है जो सीधा बंगाली घाट है, और इधर से होते हुए विश्राम घाट चला जाता है। तो इधर थोड़ा सा बस में हम लोग चाहे वो थोड़ा पिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा।
अभी विश्राम घाट पे और अभी हम लोग का ड्यूटी मिल गया है इधर, बैग देखना है क्योंकि भाई आतंक है किसका, बंदरों का। और मेरा चप्पल ही उठा के ले गया उधर महाराज जी के घर से, चप्पल ही ले गया दोनों चप्पल, एक चप्पल तो काट कूट के फेंका था तो मिला, दूसरा चप्पल मिला ही नहीं। अब दूसरे चप्पल फिर नया खरीदेंगे तो फिर देखेंगे। अभी बिना चप्पल गए बरसाने मथुरा में घूम रहे हैं और अभी सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे दिया बार में, दिया हुआ बार को फिराएंगे तो फिर मैं भी जाऊँगा। तो मैं इधर हूँ सामान अगोड़ रहा हूँ और ये भी है तो इधर हम लोग को भी दिया ला के इधर से दे दे के हम लोग आएंगे तो जाके तुम लोग बार लेना। तो ऐसा कुछ दिया है लोहे का देखा का, इसमें काला तेल है जिसको मारना है यहाँ यम के पास, यम का मंदिर है यही पे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से दिया हुआ बार के अब वापस आ गए हैं अपने जो महाराज जी हैं उनके घर पे, और यहाँ पे हम लोग अब खाना वाना खाएंगे क्योंकि आज का जो खाना है वो यहीं पे बनाया गया है। और खाना वाना खा कर फिर हम लोग यहाँ से धर्मशाला पे चले जाएंगे क्योंकि हम लोग का जो रूम मिला है वो धर्मशाला में है। तो मैं धर्मशाला में जाके आपको रूम भी दिखाऊँगा कैसा रूम है। तो चलिए तब तक हम लोग खाना वाना खाते हैं और तब तक आप ये इंजॉय करते रहिए। बात की जाए तो कुछ ऐसा रूम है मतलब दो बेड यहाँ लगा हुआ है, दो बेड वहाँ लगा हुआ है और इधर बाथरूम है और इधर उधर बाथरूम है, बाकी सब ऐसे ही। मामा जी उधर लेट गए हैं और ये अभी चेक करने जा रहे हैं दोनों मिल के। आराम से बना लिया करो, अम्मा को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स टाइम हो भी रात को 10 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं धर्मशाला में। तो अब सब लोग लगभग जाके सो ही गया है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल। और कल पूरा जो यहाँ का बरसाने वृंदावन सब कुछ मतलब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा घूमने के लिए तो आपको पूरा घुमाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और राधे राधे।